देखो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो मान लो ईएम वेव अगर पास करती है तो उसके अंदर एनर्जी पास हो रही है, तो कितनी एनर्जी कितने एरिया में से पास हो रही है और कितने टाइम में पास हो रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी है। हम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। मान लो एक ईएम वेव ट्रेवल कर रही है, तो मैंने इसकी एक शेप दे दी ताकि मैं एनर्जी का कुछ वॉल्यूम ले सकूं या एरिया ले सकूं। तो मान लेते हैं ईएम वेव यहाँ से यहाँ आ गई, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गई, तो कितना सी स्पीड के साथ, सी इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर एनर्जी का, एनर्जी कितने वॉल्यूम है, सी इंटू डेल्टा टी को किससे मल्टीप्लाई करें, एरिया ए से, तो वॉल्यूम आ गया। अब यू का मतलब क्या है? एनर्जी। और स्मॉल यू का मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने वॉल्यूम एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी को इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आएगी। तो वॉल्यूम है क्या? सी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया। ठीक है, तो एनर्जी आ गई। अब मुझे पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी की पूरी वैल्यू ये न्यूमिनेटर में पुट करेंगे, ए डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, यू इंटू सी। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी डेंसिटी हमने दो किस्म से कर रखी है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी भी की हुई है, हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी की हुई है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करें तो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी क्या थी हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और इनटू क्या कर दिया, सी। और जो भी चीज़ साइनोसाइडल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर साइनोसाइडली चेंज हो रहा है, तो एसी के फॉर्मूला सारे वैलिडेंस के ऊपर। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नॉट बाई रूट टू क्या होगा, ई आरएमएस होगा। तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आप ई नॉट की जगह क्या पुट कर सकते हो, रूट टू इंटू ई आरएमएस का स्क्वायर। तो आपके पास ये आंसर आएगा, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करना चाहते हो, आप उस छोटे यू एनर्जी डेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करो, आपके पास ये आंसर आएगा, राइट। तो आपको बी नॉट बाय रूट टू की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बी आरएमएस। तो ये आंसर आएगा। फॉर्मूला मैं बाद में नोट करवाऊंगा सारे, बस एक बार देख लो, इसके प्रूफ पर आते नहीं है, बट आपको फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल आने चाहिए। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, क्या नोट करना है मैं बाद में नोट करवाऊंगा, इसका सिर्फ प्रूफ है।